प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सबका इस बीतक के महापर्व में दिवस दो में हार्दिक स्वागत है। कल बहुत ही प्रेम पूर्वक हमने झरोखे टीम के द्वारा बहुत उन सुंदर साथ के विचार सुने और मॉरल शिक्षाएं हमें क्या लेनी है बीतक से उसके बारे में सुना। आज हम त्रिपुलिया टीम के जो हमारे प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं उनके द्वारा हम बहुत ही रोचक ढंग से दोपहर का सूरज और श्री बीतक साहब के टीका में से चुने हुए मोतियों का अवलोकन भी करेंगे, श्रवण भी करेंगे, आनंद भी लेंगे और सबको आगे शेयर भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम प्रणाम जी। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्याम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब डियर सुंदर साहब जी, प्रेम प्रणाम जी, इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट, इफ यू डोंट यूज द चैट इट विल बी इजियर फॉर द प्रेजेंटर एंड फॉर द पीपल लाइव ऑन जूम। चैट का प्रयोग मिनिमम करेंगे ताकि जो सुनने वाले बोलने वाले हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सुंदर साहब जी, ये जो बीतक पर्व चलने वाला है इस पर डे वन की फिनिशिंग भी नहीं हुई थी और हमारे पास श्री नरेंद्र पटेल जी यूएसए सुंदर साथ के द्वारा, न्यू जर्सी सुंदर साथ के द्वारा बहुत ही प्यार से उन्होंने आशीर्वाद रूप में हमें दो वचन लिखे हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीतक हमारे श्री सुंदर साथ जी के प्रेम सेवा स्वरूप को अर्थात हमारे वर्तमान को प्रकाशित करने वाला दिव्य दीपक है। जाहिर में शब्दों द्वारा व्यक्त बीतक शब्दातीत के प्रति जागृत करके निजानंद को इस घड़ी में अवतरित करने की चाबी है। सदा आनंद मंगल में रहिए। डियर नरेंद्र पटेल जी, डियर नरेंद्र भाई जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स ऑन दिस डे ऑफ अवर बीतक फेस्टिवल। एंड वी नो दैट यू माइट बी वॉचिंग इट ऑन जूम, यूट्यूब, फेसबुक। इफ नॉट, आई नो माई वाइब्रेशंस आर रीचिंग यू एंड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ दिस यूथ ऑफ इंडिया, फॉर द यूथ ऑफ द वर्ल्ड। यू आर टीचिंग निजानंद फिलोसफी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वे टू ऑल द सुंदर साथ इन ऑल द लैंग्वेजेस पॉसिबल। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक छोटा सा 1 मिनट का एक्सपीरियंस है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये कॉन्सेप्ट सुंदर साथ के द्वारा बीतक ऐसा पुराना भी हो चुका है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, मेरी गलती थी कल। श्री नरेंद्र भाई जी ने 18,758 चौपाइयां, 18,758 चौपाइज वर्सेस ऑफ श्री मुखवाणी कुलजम स्वरूप को सभी सुंदर साथ की हस्तलिखित हैंड रिटन वाणी को कंपाइल करने का श्रेय प्राप्त किया था। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, आई रिमेम्बर इट वाज लाइक 15-20 इयर्स बैक, तब अंगना शायद 5 या 6 इयर्स की थी। उसको 5-6 साल में हिंदी के वर्ड्स नहीं बनाने आते थे, शायद पूरी हिंदी भी ना आती हो, बट शी रोट एग्जैक्टली 2 पेजेस इन दैट कंपाइलेशन। सो आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम जी। आप हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। ऐसे ही आप जिस प्रकार आपने सीरियल में भी श्री राजन स्वामी जी के साथ मिलके बहुत अच्छे से कितने एपिसोड्स आगे सुंदर साथ के लिए, गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए दिए, आप भविष्य में भी राज्य आपके अंदर बैठकर इसी प्रकार कार्य करते रहे। तो चलिए सुंदर साथ जी, अब त्रिपोलिया टीम को हैंडओवर करते हैं जो आगे की कार्यवाही पूरी संभालेंगे डे 2 की। प्रणाम जी।
राम जी सुंदर साथ जी चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इंतखत लाल आगे आए बैठे इंतखत सुंदर साथ जी कल हमने देखा कि किस तरह श्री देवचंद्र जी मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये सोचते हैं वो कहाँ से आए हैं कौन है उनका मूल क्या है उनका अस्तित्व कैसे बना इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कैसे 16 साल का सिर्फ 16 साल का किशोर अवस्था का बालक निर्भय होकर परमात्मा की खोज में निकल पड़ता है जहां से भी उन्हें लगा वही ज्ञान पाने की कोशिश की साधु महात्माओं से सन्यासियों से अनेक पंथों से इसी दृढ़ निश्चय के साथ वे घूमते हुए भोजनगर आ पहुंचे तो सुंदर साहब जी आइए धनी के प्रेम की पिछौरी हम भी बांधे हम भी अपने अंदर विरह और प्रेम के भाव जगाकर भोजनगर चलें श्री देवचंद्र जी के साथ सागर की गहराइयों में डुबकी लगाने वाला ही मोती पा सकता है डूबने के भय से किनारे बैठे रहने वाला हाथ मलते रहने के सिवाय और क्या कर सकेगा भौरे को तो पराग और सुगंधी चाहिए वह किसी विशेष फूल की सीमा रेखा से स्वयं को नहीं बांधता अध्यात्म के चरम लक्ष्य को पाने का इच्छुक भी किसी संप्रदाय विशेष की संकीर्ण मान्यताओं और एक गुरु से बंधने में विश्वास नहीं करता गुरु दत्तात्रेय जी ने भी तो 24 गुरु किए थे अनेक मत पंथों में सत्य की खोज की आकांक्षा पाले श्री देवचंद्र जी अंत तो गत्वा भोजनगर आए वहां उनका मिलन हरिदास जी से हुआ जो गोपी भाव से राधा कृष्ण की भक्ति में लगे हुए थे वे मत्तु मेहता जी के गुरुदेव भी थे यहां मैं बताना चाहती हूँ सुंदर साथ जी जैसे ही श्री देवचंद्र जी भोजनगर पहुंचे और मंदिर के बाहर जैसे ही पहुंचे उनको मंदिर से एक बहुत मीठे मधुर स्वर के भजन की आवाज सुनाई दी जैसे काना 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 तन मन धन तुझ पे वारी काना ये भजन सुनते ही श्री देवचंद्र जी ने बाहर मंदिर के बाहर जाते हुए किसी से पूछा भैया ये किसका मंदिर है भैया लगता है तुम यहाँ पहले बार आए हो बहुत ही मीठी ध्वनि आ रही है ये किसकी आवाज है यह हरिदास जी की आवाज है जे निस्तेर ही सखे भाव से सेवा करते हैं और राधा वल्लभी मार्ग के हैं श्री बीतक साहिब चौपाई नंबर 14 प्रकरण 3
वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म सेवा बांके बिहारी की करे सखी भाव धर्म करे सखी भाव धर्म। श्री देवचंद्र जी कहते हैं, लगता है मैं सही स्थान पर आया हूँ। भजन समाप्त होने पर वे मंदिर के अंदर जाते हैं और हरिदास जी से मिलते हैं। प्रणाम मुनिवर, आपको पुरुष होकर सखी भाव से सेवा करते देख मेरा मन अति प्रसन्न हुआ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें। भैया, आप अपना परिचय तो दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और कौन है? यही प्रश्न तो मुझे विचलित करता है, इसी का उत्तर पाने मैं यहाँ आया हूँ। हरिदास जी में श्रद्धा, समर्पण और सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। श्री देवचंद्र जी ने अपने को उनकी सेवा में झोंक दिया। चौपाई नंबर 15, प्रकरण 3। रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अति प्रेम साचा देखा तिनको सेवत है अत नेम सेवत है अत नेम। हरिदास जी की संगति में रहकर श्री देवचंद्र जी ने उनकी प्रेम भरी सेवा की अटूट भावना देखी। उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि हरिदास जी अपने आराध्य की सच्चे हृदय से निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं। एक निश्चित तिथि पर सिर मुंडवाए हुए देवचंद्र जी हरिदास जी के सामने बैठे। हरिदास जी ने पूछा, क्या इसके पहले तुमने किसी और से भी दीक्षा मंत्र लिया था? अनीता। हाँ गुरुदेव, सन्यासियों से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली थी। मेरा दिया मंत्र तभी पूर्ण रूप से फलितार्थ होगा जब तुम सन्यासियों के लिए हुए मंत्र को किसी कागज में लिखो और रोटी आदि में छिपाकर उन्हें वापस कर दो। यद्यपि आपकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, फिर भी मेरा कथन ये है कि यदि आपका मंत्र मेरे पहले वाले मंत्र से अधिक शक्तिशाली है तो मेरे हृदय से वे स्वतः ही निकल जाएगा, किंतु यदि मेरा पूर्व वाला दीक्षा मंत्र आपके दिए हुए मंत्र से अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह मेरे हृदय से कदापि नहीं निकल सकेगा। बेटक साहब की चौपाई नंबर 34, प्रकरण नंबर 3। जो तुम्हारा नाम जोरावर तो आपे ही होवे दूर, ए तो अर्थ ऊपर का ए आम का मजकूर, ए आम का मजकूर। श्री हरिदास जी इस प्रकार का उत्तर सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने अति स्नेह पूर्वक अखंड राज बिहारी श्री कृष्ण का मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा के रूप में दिया। प्रकरण 3, चौपाई 36। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास,
सुमरो कर विश्वास। हरिदास जी से देवचंद्र जी का पता पाकर उनके माता पिता भी भोजनगर में आकर बस गए। देवचंद्र जी की वैराग्य भावना देखकर वे उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहते थे। विवाह का बंधन इतना मजबूत होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भी इसके सुनहरी रस्ते को काट नहीं पाते। यहाँ तक कि विरक्त वेश धारण कर तप करने वाले भी प्राय किसी ना किसी रूप में इसके बंधन में आ जाते हैं। संयोगवश जिस दिन श्री देवचंद्र जी ने दीक्षा मंत्र धारण किया था, वही दिन उनके विवाह का भी निश्चित था। देवचंद जी के लाख मना करने के उपरांत भी पिता श्री नहीं माने थे और जबरन विवाह की तिथि निश्चित कर दी थी। विवाह के शुभ मुहूर्त पर देवचंद्र जी को सिर मुंडवाए देखकर पिताजी का पारा सातवें आसमान पर हो गया। प्रकरण नंबर 3, चौपाई नंबर 39। रोए पीट दुख पाए के खीज डराए कहे सुकान, श्री देव चंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहत हो दिन, तुम क्या चाहत हो दिन। पिता श्री का पारा सातवें आसमान पर देख देवचंद्र जी को कर्कश शब्दों की बौछार कर दी कि तुम देवचंद्र जी हमारे घर ना ही जन्म लेते तो अच्छा था। पिताजी का गुस्सा देखकर देवचंद्र जी ने कहा, क्या बात, मैंने कोई गलत कार्य किया है? पिताजी ने कहा, देवचंद, ज्योतिष के आधार पर मैंने शुभ मुहूर्त निकलवाया था, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने मेरी इच्छा का गला घोट दिया। पिताश्री, मैंने अपराध क्या किया है जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? एक तो मेरे जीवित रहते सिर मुंडवाया, दूसरे यह कार्य विवाह के शुभ अवसर पर हुआ है। कहां मैं तुम्हारे सिर पर विवाह का मुकुट देखना चाहता था और कहां तुमने सन्यासियों का वेश धारण कर लिया है। मैंने आपको बार बार मना किया था कि मेरा मन रंज मात्र भी संसार में नहीं है। जब तक दो दिलों की व्यक्तिगत इच्छा ना हो तब तक जबरन विवाह कराना घोर अन्याय है। आज जो स्थिति बनी है आपके अड़ियल रवैये की ही देन है। तू मेरा एकमात्र पुत्र है, मैं तो यह किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकता कि तू मेरे जीते जी बाबा बनकर इधर उधर घूमता रहे। विवाह वह बंधन है जिसमें फंसने के बाद गृहस्थी की चक्की में पिसना पड़ता है। परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करते करते ही आधी से अधिक उम्र निकल जाती है। इन झूठे रिश्तों में फंसकर आत्मा के प्रियतम के प्रति अपना पूरा प्रेम नहीं हो पाता। तू मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश देने चला है, मेरा निर्णय अंतिम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आपका मेरे शरीर पर ही तो अधिकार है, मेरी आत्मा पर तो नहीं। आप मेरे झूठे शरीर का ही विवाह रचा सकते हैं। मैंने तो आज ही अपनी आत्मा का विवाह अपने प्रियतम से कर लिया है। आप अपने अहम की तृप्ति के लिए मेरे शरीर का विवाह कर सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि मेरा मन घर परिवार में जरा भी नहीं लगेगा। प्रकरण 3, चौपाई नंबर 40। मैं विवाह करने का था जिन सो
किया है तीन सौ, मैं तो तुमको बरजिया, मेरा काम नहीं इनमो, मेरा काम नहीं इनमो। आप मेरी शादी ही तो करवाना चाहते थे, जिससे आत्मा की शादी करनी थी उससे करके आया हूँ। आत्मा की शादी संसार से विमुख होकर सिर मुंडवा कर ही करना करवानी पड़ती है। विवाह के लिए बार बार मैंने मना किया, मुझे नहीं सुहाता है। प्रणाम जी। लील बाई जी के साथ परिणय हो जाने के पश्चात भी श्री देवचंद्र जी का मन घर परिवार में नहीं लगता था। वे मात्र 3 घंटे रात्रि 12 से 3 ही घर पर रहते, शेष सारा समय हरिदास जी की सेवा, मंदिर की परिक्रमा तथा चर्चा सत्संग में व्यतीत करते थे। एक दिन परिक्रमा करते हुए श्री देवचंद्र जी को हरिदास जी ने देख लिया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, देवचंद्र, मेरे पास से तो तुम 12 बजे रात्रि को घर गए थे, इस समय 3 बज रहे हैं, क्या घर का जरा भी आराम नहीं करते हो? गुरुदेव, मुझे ऐसा लगा कि प्रातःकाल हो गया है, मैं इसी भ्रम में चला आया। किंतु यह तो प्रतिदिन का ही नियम था, श्री देवचंद्र जी सेवा भक्ति तो अपनी आत्मिक सुख के लिए करते थे, इसलिए उसे छिपा कर करते थे। प्रकरण 3 चौपाई 43। रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पोहर, हरिदास जी के मंदिर पर दीक्षणा, देवे मेहनत अति जोर, देवे मेहनत अति जोर। क्यामतनामा प्रकरण 15 चौपाई 1। छिपके साहेब कीजे याद, खासल खास नजदीकी स्वाद, बड़ी द्वा माहे छिपके ले आए, सब गिरो से करे छिपाए। हे साजी, अपने प्राणेश्वर की प्रेममयी भक्ति एकांत में छिप कर ही करनी चाहिए। ऐसा करने वाले ब्रह्म मुनियों को प्रीतम की निकटता का आनंद मिलता है, अर्थात उनके दर्शन एवं वार्ता का रस मिलता है। सबसे बड़ी अनन्य प्राप्त प्रेम लक्षणा भक्ति छिप कर ही होती है, इसे अपने परिचित अपरिचित सभी लोगों से छिपा कर ही किया जाता है। शरीयत की बंदगी प्रायः सामूहिक होती है और संसार में प्रचारित हो जाती है, किंतु हकीकत मार्फित चितुनी का मार्ग एकांत में ही फलीभूत होता है। एक दिन दोनों ही अपने ईष्ट की सेवा में तालीन थे। अचानक 4 आदमी एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो बिच्छू के विष से बेहोश हो गया था। उन्होंने कातर स्वर में गुहार लगाई, महाराज जी, यह बेहोश हो गया है, बिच्छू के विष से इसकी प्राण रक्षा आप ही कर सकते हैं। आवाज सुनकर श्री हरिदास जी बाहर आए, उनकी दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने मंत्र पढ़ा और अपनी मूछों पर हाथ फेरा, इससे कुछ शांति मिली। यह प्रक्रिया दूसरी और तीसरी बार दोहराते ही विष पूर्णतः उतर गया और वह व्यक्ति चंगा हो गया। सभी कृतिक भाव से श्री हरिदास जी के चरणों में लौट गए। उनके नेत्र, हृदय और वाणी से आदर के भाव झलक रहे थे। महाराज जी
आपकी महिमा को हम शब्दों में नहीं कह सकते, आप ही मंत्र शक्ति से इसे जीवन दान दिया है। हम आपके इस उपकार से कभी भी उपकृत नहीं हो सकते। उनके चले जाने के बाद हरिदास जी बोले, देवचंद्र तुमने मंत्र शक्ति का चमत्कार तो देखा। हाँ गुरुदेव। यदि वह थोड़ी और देर कर देता तो उसका बचना संभव नहीं था। मैं चाहता हूं तुम भी इस मंत्र को सीख लो ताकि दूसरों का उपकार हो सके। यह तो ठीक है, किंतु आपने जो मुझे अखंड योग माया का मंत्र दिया है उससे जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। जन्म मरण के चक्र में तो लाखों बिच्छुओं का कष्ट है, उससे मुक्त करने वाला मंत्र जब आप मुझे दे ही चुके हैं तो मैं और दूसरा मंत्र लेकर क्या करूंगा। प्रकरण 3 चौपाई 62। सो मंत्र जिन उर में रहे तहां एक ऐसे समाए, तब हरिदास जी रिझ के सिफत करी बनाए, सिफत करी बनाए। ऐसा दिव्य मंत्र जिसके हृदय में वास करता है वहां बिच्छू का लौकिक विष उतारने वाला मंत्र भला कहां रह सकता है। यह बात सुनकर हरिदास जी बहुत ही आनंदित हुए और श्री देवचंद्र जी के दिव्य गुणों का बखान करने लगे। देवचंद्र, तुम्हारे इस कथन से मैं गदगद हो गया हूं। तुम्हारी बुद्धि जितनी महान है तथा जितनी श्रेष्ठ विचार है उतने मेरे नहीं है, तुम धन्य हो। अचानक एक दिन हरिदास जी ने फिर देखा कि देवचंद्र जी रात्रि के 3 बजे के लगभग मंदिर के बाहर परिक्रमा कर रहे हैं। वे अब समझ गए कि यह तो इनका नित्य क्रम है। हरिदास जी का मकान एवं मंदिर दोनों ही संयुक्त रूप में थे। मंदिर की परिक्रमा करने पर उनके मकान की भी परिक्रमा होती थी। हरिदास जी को यह पसंद नहीं था कि ईश के साथ साथ कोई उनकी भी परिक्रमा करे। इतनी बड़ी सेवा का बोझ संभालना उन्हें कठिन प्रतीत होने लगा। निदान उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो 2 मूर्तियां बाल मुकुंद तथा बांके बिहारी की हैं, उनमें से एक श्री बाल मुकुंज की मूर्ति देवचंद्र जी को सौंप दे ताकि वह घर पर ही उनकी सेवा पूजा कर सके। प्रकरण 3 चौपाई 68। तब हरिदास जी ने कहिया, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो ज्यो पावो आनंद। श्री देवचंद्र जी के चुप रहने पर हरिदास जी ने कहा, मैं तुम्हें बाल मुकुंज की मूर्ति देता हूं, तुम उस मूर्ति को अपने घर ले जाकर सेवा करो जिससे तुम्हें आनंद हो। प्रणाम जी। जब श्री हरिदास जी प्रातः काल सेवा हेतु मंदिर में पहुंचे तो बाल मुकुंद बाल रूप श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। उन्होंने मंदिर का कोना कोना छान मारा लेकिन कहीं भी पता न चला। उन्होंने घर के सभी सदस्यों से भी पूछताछ की, सबका यही कथन था कि भला यहाँ कौन आ सकता है। जब मंदिर और मकान के दरवाजे बंद थे तो मूर्ति कहाँ चली गई। मूर्ति के भी पंख होते हैं। हरिदास जी ने पांके बिहारी किशोर स्वरूप श्री कृष्ण की विधिवत सेवा पूजा की। श्री देवचंद्र जी भी इस समाचार को सुनकर बहुत दुखी हुए। हरिदास जी के मन में ये बात खटक रही थी कि कहीं देवचंद्र जी ये ना समझ लें कि मैं उनको मूर्ति देना ही नहीं चाहता। ये बात उन्होंने प्रकट भी कर दी, किंतु श्री देवचंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया कि गुरुदेव मैं ही अभी इसके योग्य नहीं हूँ, आपने तो मुझे संकल्प रूप से
दे ही दिया था। प्रकरण 4 चौपाई 8। तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास, ये भूल ये हमारी भूल है, जो टूटी हमारी आस, जो टूटी हमारी आस। जब आपने अपने मन में देने का संकल्प कर लिया था तो आप ये भी मान लीजिए कि आपने मुझे दे ही दिया था। मैं भी यही मानता हूँ कि भावनात्मक रूप से मूर्ति मुझे प्राप्त हो गई, कहीं ना कहीं मुझसे भूल अवश्य हुई है, जिसके कारण अपात होने से मैं प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति को प्राप्त नहीं कर सका हूँ। हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की विधिवत सेवा पूजा की, किंतु उन्होंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अनायास ही श्री देवचंद्र जी और हरिदास जी सहित सभी परिवार के सभी लोग उपवास करने लगे। हरिदास जी मध्य रात्रि में चिंतन में डूबे थे कि श्री बाल मुकुंद जी ने साक्षात दर्शन दिए। प्रकरण नंबर 4 चौपाई 14। तहां आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन, ओहो प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन, हम ढूंढत कल्पे मन। उस समय साक्षात बाल मुकुंद जी ने उन्हें दर्शन दिया। उन्हें अपने सामने देखकर हरिदास जी आनंद से विभोर हो गए। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप कहाँ चले गए थे? आपको खोजते खोजते हम इतने दुखी हो गए थे। यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि श्री हरिदास को श्री बाल मुकुंद जी ने तमोगुण के प्रभाव की निद्रा में दर्शन नहीं दिए थे, उन्होंने योग निद्रा में ध्यान समाधि की अवस्था में दर्शन दिए थे। और ये बात भी स्पष्ट होती है कि पार ब्रह्म का साक्षात केवल प्रेम में ही ध्यान से ही होता है, कर्म कांडों से नहीं। चरणों में प्रणाम करते हुए हरिदास जी बोले, हे प्रभु, आप कहाँ थे? आपको खोजते खोजते हम बहुत दुखी हो गए। मैं तो वहीं बैठा था। तो आपने हमें दर्शन क्यों नहीं दिया? तुम मुझे श्री देवचंद जी के यहाँ पधराते थे, इसलिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। तुम्हें इनकी महिमा नहीं मालूम है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में पार ब्रह्म की शक्ति ने लीला की थी, तथा राधा जी के तन में इन्हीं की आत्मा थी। मैं किसी भी प्रकार से इनके इनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता। मैं तो इनकी कृपा से उऋण भी नहीं हो सकता हूँ। प्रकरण नंबर 4 चौपाई 16। सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, ना सह सकूं एहसान, ना सह सकूं एहसान। हरिदास जी, तुम्हें अब तक श्री देवचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं हुई है। मुझे ये कभी भी सहन नहीं होगा कि वे मेरी सेवा करें। उनके अंदर विराजमान पार ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति के कारण ही तो मैं इस समय अखंड लीला में हूँ। इसलिए मैं इनके एहसानों से कभी भी उऋण नहीं हो सकता। भावार्थ, यहाँ ये संशय होता है कि पूर्व के प्रकरणों में ये दर्शाया गया है कि मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक उमरकोट में श्री देवचंद्र जी ने
राधा कृष्ण की मूर्ति की परिक्रमा की थी, किंतु उनकी थोड़ी सी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई थी। जबकि यहाँ मूर्ति पूजा की सार्थकता बताई जा रही है कि बाल मुकुंद अपनी मूर्ति की सेवा श्री देवचंद्र जी से कराने से मना कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों कथनों में स्पष्ट विरोधाभास झलकता है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है, स्थान जड़ पूजा का त्याग किए बिना अध्यात्म के चरम को नहीं छुआ जा सकता है। इसी प्रकरण में आगे की चौपाई में ये बात आती है कि स्वयं बाल मुकुंद जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण जी मूर्ति न मिलने से दुखी होते हैं तो उन्हें बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा दे देना। यहाँ ध्यान देने योग्य विशेष तथ्य ये है कि जब बाल मुकुंद जी को ये मालूम था कि देवचंद्र जी के अंदर बांके बिहारी की अलादनी शक्ति है, तो उन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति को ही देने के लिए क्यों नहीं कहा, वस्त्रों की सेवा देने के लिए ही क्यों कहा? इसका संक्षिप्त सा उत्तर ये है, यद्यपि वस्त्र भी स्थूल जड़ पदार्थ ही हैं, किंतु ठोस मूर्ति की अपेक्षा उसमें स्थूलता कम है। वस्त्रों से प्रेम में ही भावों की अभिव्यक्ति होती है, जो अंतत बतवा विरह की ओर ले जाती है तथा साक्षात्कार में सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। ये ध्यान योग का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जड़ मूर्ति के शोध शोपचार पूजने से कभी भी ध्यान समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगे इसी प्रकरण की चौपाई 44 में ये वर्णित है कि श्री देवचंद्र जी को ध्यान में अपने प्रियतम का दर्शन होता है। यदि वे मूर्ति ले जाते तो संभव था कि वे भी शोक शोपचार पूजन स्नान श्रृंगार भोजन शयन आदि कार्य में लग जाते और मार्ग से भटक जाते। जब कुछ रंगीन कपड़ों को राष्ट्रध्वज का रूप दे दिया जाता है तो उसका अपमान संपूर्ण राष्ट्र का अपमान माना जाता है। इसी प्रकार किसी सम्मानीय व्यक्ति के आगे आगे चलने और उनके आसन पर स्वयं बैठ जाने से उनको कोई श्रुति नहीं होती, किंतु भावनात्मक रूप से ऐसा उचित नहीं माना जाता। ठीक यही स्थिति बाल मुकुंद जी की है। वे भावनात्मक रूप से रास बिहारी एवं रासेश्वरी राधा जी के प्रति इतने श्रद्धान्वित थे है कि उनको स्वप्न में भी ये सहन नहीं है कि देवचंद्र जी उनकी मूर्ति की भी सेवा करें। यदि श्री देवचंद्र जी दुखी हो तो रास बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उन्हें दे देना, किंतु मेरी मूर्ति कदापि नहीं देना। प्रभु कृपा करके ये बताइए कि इस समय आपकी मूर्ति कहाँ पर है? मेरी मूर्ति तो वही सिंहासन पर ही विराजमान है, मैंने तो तुम्हें दृष्टि बंद कर दिया था। हरिदास जी मंदिर में जाकर देखते हैं कि मूर्ति तो सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने आनंदित होकर बार बार अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हरिदास जी को अपनी अनजानी भूलों पर बहुत अधिक पश्चाताप हो रहा था। आज तक तो वे श्री देवचंद्र जी को अपना शिष्य ही समझते रहे। न जाने कितनी बार देवचंद्र जी ने उनके घर के झूठे बर्तन भी धोए होंगे, न जाने कितनी बार झाड़ू लगाया होगा, पता नहीं कितनी बार उनके चरण दबाए होंगे। इस भयंकर अपराध का एक ही प्रयास हो सकता है कि उनकी चरणों में लौटकर अपनी भूलों की क्षमा मांगी जाए। यह सोचते हुए श्री हरिदास जी मार्ग पर जा रहे थे कि सामने ही देवचंद्र जी दिखाई पड़ गए। हरिदास जी दौड़ते हुए उनके चरणों में लौट गए। श्री देवचंद्र जी यह दृश्य देखकर हक्का बक्का हो गए। उन्होंने दोनों हाथों से हरिदास जी को उठाते हुए कहा, गुरुदेव मैं तो आपका शिष्य हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आज तक आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था। मैं आपको अपने शिष्य के ही रूप में मानकर
अपनी सेवा करवा रहा था। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित होगा या नहीं। बीती मध्य रात्रि को बालमुकुंद जी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे बताया कि श्री देवचंद्र जी के अंदर राशेश्वरी राधा जी की आत्मा है। मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता। उन्होंने मुझे आपको बाके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा सौंपी है। इतने वर्ष से मुझे दोनों स्वरूपों श्री बालमुकुंद और बाके बिहारी जी की सेवा करते हुए बीत गए थे, लेकिन कभी भी इस तरह प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था। श्री देवचंद्र जी आपकी कृपा से मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपके इस ऋण को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। गुरुदेव, क्या बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं। दोनों ने दर्शन करके भोजन ग्रहण किया। श्री देवचंद्र जी ने बाके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा अपने घर पर पधराई तथा अटूट निष्ठा से साथ सेवा और चितवनी करने लगा। प्रकरण 4:34 जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाई के लियाए अपने घर मो लियाए अपने घर श्री देवचंद्र जी को बाके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा दी। श्री देवचंद्र जी बहुत आदर पूर्वक सिर चढ़ाकर उसके आकर से लाकर अपने घर में पधराया। भावार्थ सिर चढ़ाना एक विधा है, इसका अर्थ बहुत ही सम्मान करना। वैसे भी किसी पूज्य वस्तु का यह सिर पर रखकर हिलाया जाता है। हम अपने हाथों से रसोई में देते पानी पीते तथा भोग तैयार करते। यदि जल लाते किसी की छाती भी पूजाती तो उसे पिलाकर भोग लगाते तुम्हारे अपने हाथों से ही धोखा देवे भोजन तैयार कर और पानी तथा बैठे बैठे आराम करो की बातें सुनते सुनते मेरे कान पक रहे है। श्री देवचंद्र जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, तुम मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं उसी से खुश हूँ। जिस प्रकार मैं तुम्हारे शरीर का पति हूँ, उसी प्रकार मेरी और तुम्हारी आत्मा का पति एक ही पारब्रह्म है जिनकी मैं सेवा करता हूँ। मैं जिस स्वरूप की सेवा करता हूँ उनकी तुम्हें पहचान नहीं है। बिना पहचान के सेवा नहीं हो पाती। जल भरते समय या किसी अन्य सेवा में यदि तुम्हारा मन दुखी हो गया तो सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। सेवा धर्म बहुत कठिन है, इसलिए अपने इष्ट की सारी सेवा मैं स्वयं ही करूँगा। तुम इस संबंध में थोड़ी भी चिंता ना करो। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूँ अपने अंग, है मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होवे भंग, तामे होवे भंग। इसलिए ये सेवा मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बल्कि मैं स्वयं करूंगा। रास बिहारी से मेरी आत्मा का अटूट प्रेम है। यदि मैं ये सेवा किसी और को देता हूँ तो मेरी सेवा भंग होती है। रेनू जी आप रीड कीजिए। हाँ जी कर रही हूँ। एक दिन ध्यान में श्री देवचंद जी को अपने प्रियतम का दर्शन हुआ। उनका ध्यान अखंड ब्रिज में पहुंचा, जहां माता यशोदा जी दूध गर्म कर रही थी। राधा रूप में श्री देवचंद्र जी उनके सम्मुख खड़े हुए। यशोदा जी ने स्नेह भरे स्वर में पुकारा, आओ राधा रानी, यहाँ आकर भोजन करो। माते, मैं कुछ जल्दी में हूँ, ये बताइए कन्हैया कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस नटखट का स्वभाव तो तुम जानती ही हो, वह भला शांति से कहाँ रह सकता है, वन में ग्वाल बालों के साथ खेल रहा होगा। मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो उन्हीं में लगा हुआ है। ये मिठाई लो और दोनों मिलकर खा लेना,
श्री देवचंद जी राधा रूप में ग्वाल बालों के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? कौन से श्री कृष्ण जी? यहाँ तो हर टोली में श्री कृष्ण वाले बालक हैं। नंदलाल जी, नंदलाल श्री कृष्ण जी। यहाँ तो अनेक श्री कृष्ण हैं जिनके पिता का नाम नंद है। माता यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण। कन्हैया खड़े खड़े सारी लीला देख रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, आओ आओ राधा रानी, मैं तो यहीं पे खड़ा खड़ा तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। आपकी प्रेम भरी छल वाली लीला समझ में नहीं आती है। मैं इतनी देर से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ और आपको हंसी आती है। मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम तो मेरी प्राणेश्वरी हो। प्रकरण 4 चौपाई 53। बुलाए लिए देवचंद्र जी, बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास, मुख मीठे प्रेम लिए खास। श्री कृष्ण जी वहीं पर पास में ही खड़े थे, मुस्कुराते हुए उन्होंने राधा जी को बुलाया और अपने पास बैठा लिया। वे अपने मुख से अति मधुर शब्दों के द्वारा विशेष प्रेम के साथ राधिका जी से बातें करने लगे। दोनों बातें करने लगे, घुंघरी बांटे जाने लगी तो यशोदा जी द्वारा भेजी हुई मिठाई भी बांटने के लिए दे दी गई। श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि हमारे लिए दो दो भाग देना। श्री देवचंद जी ने अति प्रेम में भरकर जैसे ही अपना हाथ भोजन करने के लिए उठाया, त्यों ही उनका ध्यान टूट गया। ध्यान में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा था। ध्यान टूटते ही दर्शन लीला बंद हो गई। दर्शन देने वाले इस स्वरूप को अपना प्रियतम मानकर अटूट आस्था के साथ सेवा और चितवनी में तल्लीन हो गए। प्रकरण 4 चौपाई 60। तो एक दिन इन भांति सो हुआ है गुजरान, इन भात कई विधि की, कहां लो करो कहो पहचान, कहां लो कहो पहचान। इस तरह से ध्यान साधना करते हुए श्री देवचंद जी ने भोजनगर में कुछ वर्ष व्यतीत किए। उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों की ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके विषय में मैं कहां तक वर्णन करूं। भावार्थ, जब श्री देवचंद्र जी बारात के पीछे पीछे चले थे तो उनकी उम्र लगभग 16 वर्ष और 6 माह की थी। कच्छ में 4 वर्ष तक खोज की तथा भोजनगर में हरिदास जी के पास 4 वर्ष व्यतीत किए। 24 वर्ष की अवस्था में वे नौतनपुरी पहुंचे। भागवत कथा 26 वर्ष की अवस्था में संवत 1664 के बाद में सुनना प्रारंभ किया, ऐसा वृतांत मुक्तावली में वर्णित किया गया है। किंतु सुंदर सागर प्रकरण 24 में कहा गया है कि वे 26 वर्ष की उम्र में ही नौतनपुरी आए। प्रकरण 4 चौपाई 243। महामती कहे ए साथ जी, ए इतके कहे बयान, श्री देव चंद्र जी के स्वरूप की, नेक कहूं पहचान, नेक कहो पहचान। श्री महामती जी कहती हैं कि हे साथ जी, यहाँ भोजनगर में होने वाली घटित होने वाले प्रसंगों का वर्णन है। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की थोड़ी सी ही पहचान, अब आगे और वर्णन करता हूँ। प्रकरण 4 चौपाई 253। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदरसार जी। प्रणाम जी। आज के प्रकरण से हमें यह सीख मिलती है कि इस मायावी जगत में रहते हुए भी कैसे हम श्री राज महाराज जी का दीदार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनुशासित होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। जैसे श्री देवचंद्र जी सिर्फ 3 घंटे के लिए ही घर जाते थे, बाकी सारा समय
अपनी आत्मा की खुराक के लिए सेवा पूजा में, चर्चा सुनने में और अपने गुरुदेव हरिदास जी की सेवा में व्यस्त रहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने सारे सांसारिक सुखों का भी त्याग किया। और हमारा ईमान दृढ़ होना चाहिए, जैसे जब श्री हरिदास जी ने मंत्र को वापिस करने की बात कही तो देवचंद्र जी ने उत्तर दिया कि अगर आपका मंत्र शक्तिशाली होगा तो पहला मंत्र अपने आप निकल जाएगा मन से। हमें यह सिखापन भी मिलता है कि हमें अपने ईष्ट की सेवा प्रेम समर्पण भाव पवित्रता से करनी चाहिए, जैसे श्री देवचंद्र जी अपने हाथों से बहुत प्यार से भोग तैयार करते थे और सिर्फ प्रेममयी चितुनी से ही राजी महाराज जी के दर्शन किया करते थे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री राज जी का दीदार प्रेममयी चितुनी के द्वारा ही किया जा सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मोरल इन इंग्लिश। फ्रॉम टुडेज एपिसोड वी हैव लर्न्ड मेनी लेसन्स। इफ वी ट्राई टू इंक्लूड इन आवर डेली लाइफ वी कैन अचीव आवर सोलफुल गोल दैट इज टू मीट श्री राजजी महाराज जी बाय स्टेइंग इन दिस इल्यूजनरी वर्ल्ड ओनली। श्री हरिदास जी एंड श्री देवचंद्र जी वर एन एपिटोम ऑफ डिवोशन एंड देयर टायरलेस सर्विसेज teach us how to do selfless seva, what is the right path designed for us. We should learn discipline with which they used to worship, like spending most of the time in mandir. Devchandra ji used to be at home only for 3 hours, that is from 12 to 3 a.m. and rest of his time was spent with worship, attending spiritual discourses and in the service of his master, that is Haridas ji. Second morale is sacrifice. Shri Devchandra ji sacrificed all the worldly pleasures like marriages and family for whom? Only to know about that divine power, and without sacrificing our time and routine, how can we expect that we will meet Rajji one day? Third, strong belief system, that is Iman. When Shri Devchandra ji meet Haridas ji, he told him that he should give away his earlier mantras by wrapping it in a piece of bread. Shri ji said no, he was not convinced. This is a learning that we should stay away from superstitious and be resistant in our spiritual journey. Love, affection and kindness. Shri ji used to make bhog for his lord with his own hand, Shri hands. For purity and bliss, his way of dealing with his parents and wife was full of kindness, like not raising the voice with elders and making them understand his point of view softly. Next is meditation and dhyan. Meditation slowly takes us away from all the desires and we feel contented in what we have, and spiritually, if we say, it is like a complete surrender, that is samarpan, is what we need to fall in love with Shri Rajji Maharajji. And our vani says, kyun na hoye prem inko jaako ghar e dham, shyam shama ji saath mein जाको इन विश्राम, जाको इन विश्राम, जाको इन विश्राम। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साची आवती कालनी वितक मां श्री देवचंद्र जी महाराज પોતાની આધ્યાત્મિક યાત્રાની માળામાં બીજા અનેક મોતી છોડીને હાલાર દેશ શ્રી નવતનપુરી જામનગરમાં પોતાના સહપરિવાર સાથે આવ્યા
ત્યાં તેમને શ્યામજીના મંદિરમાં રાધાવલ્લભી માર્ગના આચાર્ય કાનજી ભટ્ટ પાસે 14 વર્ષ નિષ્ઠાબંધ ભાગવત સાંભળ્યું. શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજને ધર્મ વિશે તેમના જીવનમાં મોટું યોગદાન હતું. જ્યાં સુધી તે આત્માને ભોજન ન મળે ત્યાં સુધી તે પાણી પણ ન પીતા હતા અને કહેતા હતા કે ધર્મ હશે તો જ દેહ રહેશે. આમ 1 કરોડ એકાદશી નું વ્રત કરવાનું ફળ શ્રી કૃષ્ણજીના પ્રસાદના 1 કણ સમાન પણ નથી એમ તેઓ ધર્મ વિશે કહેતા હતા. આમ જ્યારે શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજની સાથે અનેક કસોટી આવ્યા બાદ શ્રી શ્યામજીના મંદિરમાં કાનજી ભટ્ટને ત્યાં ભાગવત સાંભળવા જતા હતા ત્યારે તેની રાસમાં રમેલ શ્રી કૃષ્ણજીના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત શ્રી રાજજી મહારાજના દર્શન આપ્યા. ત્યારે દેવચંદ્રજી મહારાજની ઉંમર 40 વર્ષની હતી. બંને સ્વરૂપ સાથે લગભગ 2.25 કલાક એટલે કે 9:45 થી 12 કલાક સુધી વાર્તાલાપ ચાલ્યો હતો. ત્યારે વિક્રમ સંવત 1678ની સાલ હતી. શ્રી રાજજી મહારાજે શ્યામા સ્વરૂપ દેવચંદ્રજી મહારાજને મોકલ્યા. સખીઓને પોતાની જાણી આ નશ્વર સંસારમાં મોકલી. હવે તમે તમારી આત્માની ઓળખાણ કરી લ્યો. પ્રણામજી. सुंदर साहब जी, अभी हमने हरिदास जी की सेवा को हमने अभी श्रवण किया कि हमें अपने इष्ट की सेवा से प्रेम श्रद्धा और पवित्रता से करनी चाहिए. ये हमने अभी सिखापन इस प्रसंग से लिया. सुंदर साहब जी, अब हम कल देखेंगे कि कैसे देवचंद जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की माला में और मोती जोड़ने में श्री नौतनपुरी जामनगर में सह परिवार आ गए. उन्होंने 14 साल निष्ठावन भागवत श्रवण किया. कैसे उन्हें कानजी भट्ट से भेंट हुई और धर्म का उनके जीवन में क्या महत्व था और फिर कैसे और कब उन्हें सुंदर स्वरूप श्री राजजी महाराज प्राण वल्लभ हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत का दर्शन और उनमें हुई श्री तारतम श्री वार्तालाप जो सुनकर हर रूह को याद आएगा कि रू अल्लाह सुभाने भेजिया रूहे अरशे अपनी जान प्यो प्यारे भेजी रू अपनी तुम क्यों ना करो पहचान तुम क्यों ना करो पहचान. प्रेम प्रणाम जी.